हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार चुनाव 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके लिए एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है, बिहार 2020 चुनाव कितने सीटों पर हुआ। तो बिहार 2020 चुनाव जो है वो 243 सीटों पर हुआ है। कितने सीटों पर हुआ है? 243 सीटों पर हुआ है बिहार 2020 चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार चुनाव 2020 में बहुमत साबित करने के लिए कितने सीटें चाहिए। तो बिहार 2020 में बहुमत साबित करने के लिए 122 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? 122 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री नंबर, बिहार चुनाव 2020 में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। बिहार चुनाव 2020 में एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ने बिहार चुनाव 2020 में बहुमत प्राप्त किया है। जो एनडीए की सरकार है वो नीतीश प्लस बीजेपी की है। किसकी है? नीतीश प्लस बीजेपी की, ठीक है, सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है। कौन सी इंजन है? डबल इंजन की सरकार नीतीश प्लस बीजेपी के। ठीक है, नेक्स्ट है फोर नंबर, एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइव नंबर, नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं। तो नीतीश कुमार जो है जेडीयू जदयू पार्टी से है, जनता दल यूनाइटेड। कौन सा पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर सवाल। तो देखिए, सिक्स नंबर सवाल है, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जनता दल यूनाइटेड जदयू का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन नंबर, बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है एट नंबर, बीजेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बीजेपी का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है बीजेपी का मुख्यालय। ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है नाइन नंबर, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो जो बिहार है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सी भाग में स्थित है? पूर्वी भाग। जब आप मैप देखिएगा तो बिहार पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दस नंबर सवाल। तो देखिए, दस नंबर सवाल है, बिहार राज्य की सीमा किस एक देश के साथ लगती है। तो बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? नेपाल देश के साथ। और नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, क्या है? काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है। और आपको पता होगा जो हिमालय पर्वत है ये नेपाल में स्थित है। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो देखिए, 12 नंबर सवाल है, बिहार के तीन पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो बिहार के तीन पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कौन कौन है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार के तीन पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। नेक्स्ट है 14 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है बारहवां। कौन सा है? बारहवां। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है बारहवां। नेक्स्ट है 15 नंबर, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। कितनी है? 40 बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, बिहार में वर्तमान के राज्यपाल कौन है। तो बिहार में वर्तमान के राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार में वर्तमान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है तीसरा। कैवा स्थान है? तीसरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट है 18 नंबर, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना। तो बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था।
नेक्स्ट है 19 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछते बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर सवाल है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? 20 नंबर सवाल है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है नेपाल में कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है 23 नंबर, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है, बिहार के कितने राज्यपाल हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के वैसे दो राज्यपाल जो हैं भारत के राष्ट्रपति बने हैं, पहला है रामनाथ कोविंद और दूसरा है जाकिर हुसैन। ठीक है, रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन दो ऐसे राज्यपाल हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अभी फिलहाल रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति कैवे राष्ट्रपति है, तो ये 14वें राष्ट्रपति है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कैवे है, तो प्रधानमंत्री है 15वें और उपराष्ट्रपति हैं 13वें। ठीक है, उपराष्ट्रपति कैवे हैं 13वें, आपको पता हो तो प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, तो 15वें, राष्ट्रपति 14वें और उपराष्ट्रपति 13वें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा राज्य का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट 26 नंबर, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। नेक्स्ट 27 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट 28 नंबर, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में, और इसका स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को बिहार का पटना का उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। तो देखिए 29 नंबर सवाल है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक से 1916 है, जो 1916 है ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट 30 नंबर, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी जो है बिहार की राजभाषा है। नेक्स्ट 31 नंबर, बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो बिहार के राजकीय पक्षी का नाम है गौरैया। क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है 32 नंबर, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु है बैल। क्या है? बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। कौन है? गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है, यानी कि फूल है। नेक्स्ट है 34 नंबर, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। क्या है? पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है 35 नंबर, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। कौन है? पटना जो है बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, देखिए पटना जिला के साथ साथ राजधानी भी है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 36 नंबर, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा जो है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। कौन है? रोहतास जो है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट है 38 नंबर, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया जो है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है।
नेक्स्ट है 39 नंबर, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर, गोखुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गोखुर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है गोखुर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार की राजधानी जो पटना है उसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर, बिहार के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है 43 नंबर, बिहार की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार के राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। कितनी है? 16 बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है 44 नंबर, बिहार की विधानसभा सीट कितनी है? तो बिहार की विधानसभा सीट है 243। कितनी है? 243। और बहुमत प्राप्त करने के लिए 122। ठीक है, कितनी है? 122 बहुमत प्राप्त करने के लिए, और बिहार की विधानसभा सीट है 243। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 45 नंबर सवाल है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9। नेक्स्ट है, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 101। नेक्स्ट है 47 नंबर, बिहार के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बिहार के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। कौन है? संजय करोल बिहार के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर, बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के प्रथम यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 49 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 50 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्वेश्चन फॉर यू, ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, सवाल है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।